अलीगढ़ में खेतों में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि दबंग पक्ष ने दलित परिवार के साथ मारपीट और फायरिंग की। इतना ही नहीं, एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया। शर्मसार कर देने वाला ये मामला हरदुआगंज थाना क्षेत्र के माछुआ गांव का है, जहां रहने वाले युवक ने थाना हरदुआगंज में तहरीर दी है कि जब उसका भतीजा अपने खेतों पर नहर के सरकारी कोलावे से पानी भर रहा था, तभी गाँव के दबंग विनय और उसका बेटा और पिता सभी लोग अपने हाथ में फावड़ा डंडा राइफल लेकर आ गए और नहर का पानी काटने लगे। जब इस बात का विरोध किया गया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और फायरिंग की। इस लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर जब मौके पर पिता और महिला पहुंची, तो आरोपी ने महिला को निर्वस्त्र कर दिया और धमकी देते हुए चला गया। तो फिर भी बीलू राइफल निकाल के लाया, उसने सीधा फायर किया है, फायर मिस हो गया है। यूं करे साले तुझे जान से मार देंगे और हम उखाड़ देंगे तीन धोबी को। भाभी के साथ क्या किया आपने? भाभी के साथ जैसे बच्चों को जान से मारने की काटने की कह रहे, तो भाभी ने उनको कही कि भैया हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को मत मारो, ये मत करो। तो कोमल ने उनको पकड़ के खचीटा खींच के एक तरफ खींचा है धानों के खेत में, वहाँ भी मौका मायना कर ले गए। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और आजाद समाज पार्टी के नेता चौधरी महेंद्र सिंह पीड़ितों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। चौधरी महेंद्र सिंह ने इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो पीड़ित परिवार है अनुसूचित जाति का, जिसके साथ जाचती हुई है, जिनके साथ दो लोग जैसा इन्होंने बताया है, दो बच्चे इनके जो मेडिकल में भी एडमिट हैं, उनके काफ़ी चोट लगी है, और इस परिवार की जो हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं उन्होंने भी अपनी आपबीती बताई है। इससे लगता है कि यह अमानवीय कृत्य है, असंवैधानिक कृत्य है, यह असामाजिक कृत्य है कि यदि आप अपने अधिकार की बात कहते हैं, सिर्फ इन्होंने अपने बार अपने पानी की बात कही है। इनका गुनाह इतना है कि भाई हमारा खेत सूख जाए, हमारा नंबर पर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारा खेत सूख जाए, नहीं तो 8 दिन बाद नंबर आएगा। इनका इतना ये इन्होंने जिक्र किया कि भाई हमारा इतना कसूर है, और इसको लेकर के ही इनके साथ जो हुआ है वह ठीक नहीं है, ये निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम फिर कहते हैं कि असामाजिक है, यह असंवैधानिक है और यह जो बहुत निंदनीय कृत्य है। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना हरदुआगंज में आरोपी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। SP ग्रामीण ने बताया है कि खेतों में पानी लगने के विवाद में एक पक्ष के दो लोगों को सर पर चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि दो पक्षों में सिंचाई के पानी को लेकर के विवाद हुआ, विवाद के तहत एक पक्ष के दो लोगों को सर में चोटें आई हैं, जिनको जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। चोटिल पक्ष से तहरीर प्राप्त कर दी गई है और थाना हरदुआगंज में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है समचीन धाराओं में। दो टीमें लगी हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, विवेचना प्रचलित है, जल्दी गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की दो टीम मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी TV के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।